बारे में आज फिर उसका पेज नंबर 43 और 44 पढ़ेंगे। चलो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था, इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूँ का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूँ देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूँ ना बोया है ना देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों में रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है, उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर लें। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में नौजवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूँ का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूँ को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है। बस बस बच्चों, आज का सबक यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।